वेलकम टू सजीर बाइक टेक्निकल में आप सभी का स्वागत है। गाइस आज का जो वीडियो का टॉपिक है मेरे पास आया है स्प्लेंडर बाइक, और स्प्लेंडर बाइक में क्या हो रहा है, जब भी हम लोग RR यूनिट का कपलर यहां भरते हैं और फ्यूज बॉक्स जो फ्यूज है फ्यूज कट जा रहा है, तो गाइस ऐसा क्या बाइक में शॉर्ट है जो ऐसा रीजन हो रहा है। एक मैकेनिक भाई ने ये मेरे पास बाइक लाया है और RR यूनिट भी उन्हें दूसरा बाइक का लगा के देखी है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ एक्चुअली क्या रीज़न हो रहा है, उसके बाद आप लोगों को बताता हूँ। अभी हम लोग का फ्यूज नहीं कट रहा है, ठीक है, क्योंकि हम लोगों का RR यूनिट का कपलर अभी जैसे कि खुला हुआ है। अब हम कपलर लगा रहा हूँ और आप लोग यहाँ गौर कीजिए, ये लाल हो जाएगा और कट जाएगा। देखिए कपलर मैं लगा रहा हूँ, गाइस देखिए कट गया कीजिए, मैं अभी कपलर लगा रहा हूँ, देखिए अभी सपोर्ट नहीं पा रहा है, थोड़ा इसको हम टाइट करेंगे। देखिए गाइस ये फ्यूज हम लोग का ऑटोमेटिक कट गया है। तो फ्रेंड्स ऐसा क्या रीज़न है, इग्निशन भी ऑफ है, देखिए इग्निशन ऑफ है, और जब भी इसका कपलर हम लोग लगाते हैं तो ऐसा रीज़न होता है। अब हम आपको बताते हैं जो एक्चुअली कहां से बाइक का प्रॉब्लम है, कैसे हो रहा है। तो गाइस ये जो वोल्टेज है हम लोग का DC वोल्टेज है, DC वोल्टेज हम लोग का शॉर्ट सर्किट हो रहा है। अब शॉर्ट सर्किट कहाँ पर है, इतना सारे बाइक में वायर है, वही हम लोग को देखना है। तो इस वीडियो में आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा जो एक्चुअली शॉर्ट सर्किट हो क्या रहा है, कहाँ कहाँ हम लोगों को देखना चाहिए। तो चलिए आप लोग वीडियो में जुड़ा रहिए। तो फ्रेंड्स यानी कि एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, मैंने जो थोड़ी बहुत अभी समय मिला मुझे चेकअप करने के लिए, और इस कपलर को अभी मैंने लगा के रखा है और कॉइल प्लेट का जो कपलर है इसे मैंने ओपन करके रखा है, और कॉइल प्लेट का कपलर जब लगा रहा हूँ, और वहाँ दिखाइए उस पर, हाँ दिखाइए, देखिए गाइस ऑटोमेटिक कट गया। कॉइल प्लेट का जो कपलर है यही लगाने में हम लोग का ऐसा हो रहा है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कॉइल प्लेट के अंदर कुछ शॉर्ट सर्किट हो गया है क्या। RR यूनिट है, डायरेक्ट हम लोग वोल्टेज वहीं आता है और वहीं से ऐसा हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग वही देखेंगे जो इसका जो आउटपुट वायर है, देखिए ये वाला, इसमें हम लोग का यानी कि वोल्टेज आएगा रेड कलर से, ठीक है। तो रेड कलर के वायर बैटरी से जाता है और जाने के बाद ये जो हम लोग का ये है इससे हम लोग का प्रॉब्लम होता है, वाइट कलर की वायर। तो वाइट कलर की वायर यहाँ तक भी आया है, कहीं हम वाइट कलर को देखेंगे कहीं किसका संपर्क तो नहीं हुआ गया। तो सबसे पहले हम लोग मैग्नेट ओपन करेंगे, चलिए। तो फ्रेंड्स मैंने आर्मेचर कॉइल को मैंने ओपन किया और जो मैग्नेट कॉइल है इस कॉइल को ओपन किया। ओपन करने के बाद क्या हो रहा है, कॉइल नहीं कट रहा है, जैसे कि फ्यूज नहीं कट रहा है। अब आप लोगों को दिखाता हूँ मैं एक चीज़, यानी कि अगर इस बॉडी को अगर हम चिम्बर के साथ नाट बोल्ट कर देते हैं तब कट जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ प्रूफ करके, वहाँ कैमरा में दिखाइए, अच्छी तरह से दिखाइए। अब हम यहाँ बॉडी करता हूँ गाइस, देखिए कटा, कट गया है, कट गया ना। तो फ्रेंड्स वहाँ देखा आप लोगों ने, फ्यूज कट गया है। तो रीज़न यही है एक्चुअली, जो आर्मेचर कॉइल हम लोग जो है हम लोग का ये बॉडी हो चुकी है, इस कारण से क्या हो रहा है, जो एक बैटरी चार्ज देने के लिए जाता है चार्जर पे एक वायर, और एक जैसे हेडलाइट जलाने के लिए जाता है, ये चिपक गया है इसका साथ, इसलिए ऐसा हो रहा है जो हम लोग का शॉर्ट सर्किट ये हो चुकी है। तो हम लोग को फाइनली कॉइल बदलना पड़ेगा तभी काम पड़ेगा। तो फ्रेंड्स मेरे पास एक स्प्लेंडर बाइक की कॉइल है, कॉइल प्लेट, इसे हम लोग इंस्टॉल करेंगे, करने के बाद हो रहा है कि नहीं प्रॉब्लम सॉल्व आप लोगों को दिखाता हूँ, आप लोग वीडियो में जुड़ा रहिए। लगाने के बाद भी फ्यूज कट रहा है, तो मैंने पैर किया पुराना कॉइल ही मैंने बाइक में इंस्टॉल कर दिया, और इसका जैक खुला है और जितना भी वायरिंग हार्नेस का वायर था सभी खोल के रख दिया है। अब हम लोग चेकअप करेंगे एक्चुअली अगर बाइक में कोई फॉल्ट होता है, कोई भी चीज़ है, मीटर कंट्रोल, ब्रेक लाइट, तो भी ऐसा होता है। देखिए अभी हम लोग जैसे कि लगाया है, और यहाँ दिखाइए चार्जर का कपलर लगा रहा हूँ, यहाँ दिखाइए, तो गाइस फिर कट रहा है। तो अब फाइनली हम लोगों को वायरिंग ओपन करना पड़ेगा और पूरा वायरिंग हम लोगों को फाड़ के देखना पड़ेगा जो एक्चुअली किस कारण से ऐसा हो रहा है। तो पता चलेगा एक्चुअली हम लोगों को जैसे वायरिंग ओपन करने के बाद ही जो क्या ऐसा हुआ है वही आप लोगों को दिखाएंगे। तो चलिए वायरिंग हम लोग फटाफट ओपन करते हैं और एक्चुअली फाड़ के देखते हैं जो एक्चुअली क्या चीज़ हम लोग का प्रॉब्लम हुआ है। तो फ्रेंड्स इस बाइक का जो शॉर्ट सर्किट है अब ठीक हो गया है। तो आप लोगों को अगर बताए जो क्या प्रॉब्लम था तो आप लोग भी हमको गाली देंगे और हंसेंगे जो ऐसा चीज़ पहले क्यों नहीं आप लोग चेकअप किया।
तो चलिए मैं आपको पहले दिखा देता हूँ फ्यूज हम लोग का कट रहा है कि नहीं, उसके बाद आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ मैंने फ्यूज डाल दिया है देखिए, और इग्निशन ऑन है देखिए, और हॉर्न भी बज रहा है, सब कपलर लगा हुआ है, बाइक स्टार्ट भी हो जाएगा। देखिए स्टार्ट भी है और सब काम कर रहा है, और हम लोगों का अभी जैसे कि फ्यूज कट भी नहीं रहा है। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ गाइस। तो फ्रेंड्स, ये जो बाइक एक मैकेनिक भाई ने लाया है, इसका जो बैटरी का टर्मिनल है, उन्होंने क्या किया है, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव, पॉजिटिव की जगह नेगेटिव लगा दिया है, इस कारण से ऐसा आप लोगों को देखने को मिल रहा है। लेकिन मुझे बहुत ही परेशान किया इस बाइक में, और मैंने लास्ट में गौर किया इसका नेगेटिव पॉजिटिव बैटरी का हम चेकअप करेंगे, तो तभी हमने देखा जो ग्राउंड है, मैं जो ग्राउंड का वायर है वो लगा हुआ था प्लस कनेक्शन पे, और जो मेन है वो माइनस कनेक्शन पे, उस कारण से ऐसा हो रहा था। तो फ्रेंड्स, ताज्जुब वाली बात है, आप लोग भी कहेंगे गुरुजी आप भी पागल हो गए, आप अपने चेकअप नहीं किए बैटरी का टर्मिनल सही है कि नहीं है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने इस बाइक का देखा, हॉर्न बज रहा था और मुझे थोड़ा ऐसा लगा कि बॉडी आती ग्राउंड वोल्टेज सब कुछ जा रहा था, इस कारण से ऐसा हो रहा था। बट इस बाइक का जो बैटरी का टर्मिनल है वो एकदम नेगेटिव पॉजिटिव मैकेनिक भाई ने गलत लगा दिया है, इसका रीज़न से ऐसा हुआ है और ऐसा फेस सामने हुआ है। जैसे कि मैंने इस बाइक को एक डेढ़ घंटा काम किया, पूरा चेकअप किया, पूरा वायरिंग मैंने फाड़ा, कॉइल प्लेट दूसरा बाइक का लगाया, सब कुछ लगा के देखा, चार्जर भी लगाया, सब लगा के देख लिया, बट नहीं हुआ। तो फिर मैंने लास्ट में देखा बैटरी का टर्मिनल में जो हम लोग का वायर है वो नेगेटिव पॉजिटिव गलत लगाने से ऐसा हुआ था, इसीलिए बार बार फ्यूज कट रहा था। तो ऐसा दिक्कत अगर आप लोगों के पास भी आ रहा है तो पहले आप लोग देख लीजिए बैटरी का टर्मिनल उल्टा पुल्टा लगाया है या सही लगाया है। तो गाइस, यही था वीडियो बनाने का मकसद, जिसमें कि आप लोग कुछ अलग सीखे। तो यहाँ से हम वीडियो समाप्त करते हैं, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।